अच्छा ये किशोर दा एंड अमिताभ बच्चन, इन चारों पिलर्स के साथ बहुत साल काम किया है। तो मैं बचपन से ही सैगल साहब और सचिन दा की आवाज़ों का बड़ा दीवाना था, कुछ समझ में भी नहीं आता था। और फिर धीरे धीरे एक एक ऐसी आवाज़ें, मतलब मिमिक्री कॉमेडी दूर दूर तक मुझे मुझे देख के कोई लगता कोई मल्टीनेशनल का कोई ऑफिसर वगैरह लगता। लेकिन एक फिल्म देखी मैंने मुकद्दर का सिकंदर, और वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। विनोद खन्ना का मैं बहुत बड़ा फैन था, शत्रु जी अपना विनोद खन्ना, अमित जी, अमजद खान। तो दूसरे दिन किसी को देखकर मैंने बोला हे जोरा जान दरवाज़ा खोल दे, तो उसने तो नहीं सुना था कि मेरे दोस्त मेरे पीछे पड़ गए कि हे जी का होता कि तू अमिताभ बच्चन सर का, मतलब ये जो कुछ भी था हिंदी में वो अमिताभ बच्चन सर। तो फिर मैंने धीरे 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 शुरू किया और ये बात पहुँच गई इधर उधर। और मेरा जो पहला, मैंने शॉर्ट करता हूँ उसको, पहला जो गाना मुझे गाने के लिए बुलाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, फिल्म थी अजूबा, शशि कपूर डायरेक्टर थे। तो मुझे बुलाया गया और मुझे गाना लिखवाया गया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली में। ये गाना मैंने लिखा और देखा कोई 70-80 म्यूजिशियंस, उस वक्त लाइव होता था, म्यूजिशियन और सिंगर साथ में गाते थे, आज की तरह नहीं। तो मैंने डरते डरते लक्ष्मीकांत जी से पूछा कि लक्ष्मी जी मैं किसके लिए गा रहा हूँ, बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। तो बची कुची हवा भी निकल गई और ये जो सामने बैठे हैं ये शशि कपूर हैं, मैं सब जानता हूँ, ये इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और लक्ष्मीकांत जी ने, अच्छा इससे पहले कि लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ आप लोगों को नहीं मालूम, मैं एक गाना उनका सुनाता हूँ। देश प्रेमी में लक्ष्मीकांत जी ने एक गाना गाया था अमिताभ बच्चन के लिए, तो आपको मालूम पड़ेगा लक्ष्मी जी कैसे बोले। गोरे नहीं हम काले शही, हम नाचने गाने वाले शही, तुम सा एक नहीं लला, हम सा एक नहीं। ये लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी ने कहा ये शशि कपूर है और ये इस फिल्म के डायरेक्टर। और लक्ष्मी जी ने शशि साहब से कहा कि ये जो लड़का है ये उनकी बहुत ही साउंड बनाता है, वो साउंड बनाता है, मतलब कि अमिताभ बच्चन की। तो शशि जी बोले तो मैंने वही गाना जो मैंने गाया था, मतलब गाना था या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो वही मैंने डायलॉग बोले, ऐसे पढ़ लिया मैंने, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शशि जी बोले लक्ष्मी जी ये परसों वाला गाना अभी जी से नहीं इनसे कराएंगे। तो ये मेरा पहला गाना बुकिंग हो गया। तो वो गाना था मोहम्मद अजीज और मैं, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन। अरे ताज, मोहम्मद अजीज की आवाज है, अरे ताज है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, हरा नहीं किया। तो ये गाना था। तो ये गाना जब अमित जी ने सुना तो ये है कौन, इसको बुलाओ। तो शशि जी मुझे ले गए फिल्म सिटी में ऐसे, और साक्षात अमिताभ बच्चन खड़े वहां, और मैं उनको ऐसे कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को जैसे मैंने ये किया, तो शशि जी ले गए, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैंने जैसे नमस्कार किया सामने से अमित जी, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया, लेकिन पहले ही बोला जाता है। उसके बाद बोले भैया मैं नहीं गाऊँगा। उसके बाद मुझे मेरी मखना शवा शवा सुना सुना। और ट्रेजिडी ये है, आज तक मतलब 27 ईयर्स हो गए, अभी तक कुछ लोग समझते हैं कि चुम्मा चुम्मा अमिताभ बच्चन ने गया, मतलब गाया मैंने चुम्मा चुम्मा हो ले सर। ये तो दरअसल बात ये है कि जो अमित जी ने कहा था कि हमारी आपकी आवाज़ मिलती जुलती है, इसी बात का नतीजा है कि लोग समझने के उन्होंने गाया कि नहीं सुना। लेकिन मैं इनको बता दूं कि अमित जी इन्होंने बातें कही है, अमित जी मकना मकना शावा शावा की बातें इन्होंने कही, वो बात में मैं थोड़ी देर की बात आऊंगा। लेकिन एक प्रोग्राम खुद सुदेश जी ने प्रोड्यूस किया है मेलोडी मेकर्स के साथ, और वो है अमिताभ और मैं। बड़ा ही गहरा ये सब्जेक्ट है, क्योंकि जिन साहब